ठीक है, अपन ये कर रहे हैं रोबोटिक्स पे. वी आर डूइंग बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स, दैट इज इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स व्हिच वी आर यूजिंग हियर. सो इसमें अपने जो सेक्शंस होंगे जिसको अपन कवर अप करेंगे, दैट इज रोबोट एनाटॉमी, रोबोट कंट्रोल सिस्टम, एंड इफेक्टर्स, इंडस्ट्रियल रोबोट एप्लीकेशंस एंड रोबोट प्रोग्रामिंग. दीज आर द फाइव बेसिक सेक्शंस ऑन व्हिच वी विल डिस्कस. तो यू नो मतलब आपको एनाटॉमी का मतलब मालूम है? अजीत सिंह एंड यू नो द मीनिंग ऑफ एनाटॉमी, व्हाट इज रोबोट एनाटॉमी? ह्यूमन एनाटॉमी होता है, ह्यूमन बॉडी होती है. अगर आपने ये इस आर्म की बात करें, राइट आर्म, तो देयर आर जॉइंट्स. दिस इज अ एल्बो, दिस इज शोल्डर. इट हैज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 1 degree of freedom, this is 2 degree of freedom. एक इस प्लेन में घूम सकता अपना हाथ, इस प्लेन में घूम सकता और एक ऐसे प्लेन में घूम सकता. तो इसलिए इस जॉइंट के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस जॉइंट, देन वी हैव दिस एल्बो जॉइंट, इट हैज सम अदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. एंड दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट व्हिच इज यूज्ड इन कार, दिस इज आल्सो जॉइंट, एंड दीज आर फिंगर्स. सो कंप्लीट एनाटॉमी इफ यू सी दिस हैंड. सो रोबोट इज बेसिकली ह्यूमन. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमी एक सब्जेक्ट होता है, ह्यूमन एनाटॉमी पूरा ह्यूमन बॉडी के लिए होता है. वो पूरी बॉडी के एक एक पार्ट को लेकर डिस्कस करता है. अपन लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो अपन मशीन की एनाटॉमी की बात करेंगे ना, रोबोट की एनाटॉमी की बात करेंगे यहाँ पर. रोबोट में अब आपको किस में चाहिए, आप उसके कंट्रोल सिस्टम, कितने टाइप के कंट्रोल सिस्टम्स को आप जानते हो, कितने टाइप के कंट्रोल सिस्टम है जो आप जानते हो, तो ये का नाम बता दो. आपके मोबाइल में ही होता है कंट्रोल सिस्टम. एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम. और कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? लैपटॉप में कौन सा होता है? विंडोज है. तो ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है ना. और इसके अंदर क्या होता है, इसके कंट्रोल सिस्टम हो जाएंगे. रोबोट को आप कैसे कंट्रोल करोगे, है ना, रोबोट को कैसे कंट्रोल करोगे, जो आप प्रोसेस कर रहे हो. जैसे अगर मुझे यहाँ ये आके मशीन चलानी है और ये भी काम करना है, या मुझे लेथ मशीन चलानी है, तो एक कंटिन्यूस वर्क होता है. ह्यूमन जो होता है कंटिन्यूस वर्क नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप उसमें एक रोबोट बना दोगे, उनको सेट कर दोगे, आएगा अपना, आप उसमें टाइम सेट कर दोगे, बस वो वर्कपीस उठाएगा, मशीन पर लोड करेगा और मशीनिंग करके निकाल लेगा, इतना काम करना है रोबोट को. तो वो आप एक टाइम सेट कर लोगे तो रोबोट का काम हो जाएगा. उसको कंट्रोल सिस्टम बनाना पड़ेगा कि इतने प्रोडक्ट्स बनाना है आपको, ये 8 घंटे में काम करना है आपको, तो 8 घंटे में इतने प्रोडक्ट्स बनाना है, ये रॉ मटेरियल रखा हुआ है, वो आपको सेट करना पड़ेगा कंप्यूटर में. तो दैट इज देन एंड इफेक्टर्स, मतलब ये एंड इफेक्टर्स, मैंने ये कुछ काम कर रहा है, ये जॉइंट कुछ काम कर रहा है, ये जॉइंट कुछ कर रही है, करके ये उठा के यूँ रख दी, तो ये जो काम हुआ ना एंड इफेक्टर काम हुआ. अभी ये इसको उठा रहा हूँ मैं, और यही मुझे अगर वेट लिफ्टिंग करनी है तो उसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे. मैं ब्रेन इंस्ट्रक्शन देकर भैया तुमको पकड़ना है, अगर इसको मैंने कस से दबा दिया तो टूट जाएगा, तो वो एंड इफेक्ट वाला काम है. दैट इज ठीक है. देन इंडस्ट्रियल रोबोटिक एप्लीकेशंस, उसके एप्लीकेशंस कहाँ है? देन रोबोट प्रोग्रामिंग, ठीक, प्रोग्रामिंग कैसे करनी रहती, तो ये अपन सेक्शंस पढ़ेंगे अपन. अब इसमें डिफाइन क्या होता है, जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन प्रोसेसिंग सर्टेन एंथ्रोपोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ये रोबोट इंडस्ट्रियल रोबोट को होता है एंथ्रोपोमॉर्फिक, मतलब एंथ्रो मतलब ग्रीक वर्ड है, इंग्लिश जो है ना कॉपी की गई है ग्रीस ग्रीक वर्ड्स, जैसे उर्दू कॉपी की गई है इंग्लिश, संस्कृत, और इंडिया में रूल करना था उनको फॉरेन मुगल एम्परर्स को, तो उन्होंने एक लैंग्वेज बना दी कि भैया इनको समझाए कैसे, कंट्रोल कैसे करना, तो उर्दू बना दी कि इंग्लिश के वर्ड लिए, फारसी के वर्ड लिए, संस्कृत के वर्ड लिए, हिंदी के वर्ड लिए, और लोकल लैंग्वेजेस को वर्ड लेके एक लैंग्वेज बना दी ताकि इनसे कम्युनिकेट कर सके. ऐसे अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स की उनकी लैंग्वेज अलग चलती है, अमेरिका की अलग चलती है, लैटिन चलती है, इंग्लिश लैटिन अमेरिकन, और ये ब्रिटिश अमेरिकन यूके की अलग चलती है, उन्होंने भी रूल किया पूरे
हर जगह पर कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती है, तो उन्होंने अपने एक लैंग्वेज बना दी, ग्रीस से वर्ड ले लिए, उनकी इंग्लिश से कुछ जो बनी है वो ग्रीक, तो ग्रीस में यूनान, ग्रीस मतलब यूनान, उर्दू में हिंदी बोलने को, तो ग्रीस में जो बोला जाता ना, जो आर्मी जो काम करता है उसको एंथ्रो बोलते हैं, एंथ्रोपोडिया, एंथ्रो, तो वो एंथ्रो, एंथ्रोफॉर्मोरिक, एंथ्रोफॉर्मोर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आर्मी काम करता है वही कैरेक्टरिस्टिक रोबोट में लगा दी, ठीक है, जो आर्मी काम करता है उसको एंथ्रोफॉर्मोर्फिक बोल देना, एंथ्रोफॉर्मोर्फिक, एंथ्रोफॉर्मोर्फिक, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना होगा, ये इतने लिख दोगे ना, क्योंकि आपके जो 7 साल बच्चे वो इतना नहीं लिख पाएंगे, ना उनको समझ में आ रही होगी, तो एंथ्रोफोमोर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी आपकी, ठीक है। देन हैजार्डस वर्क एनवायरनमेंट, अब ऐसी जगह काम करना आदमी को जहां पर बहुत हैजार्डस केमिकल निकल रहा है, आग लग रही हो, जैसे गर्मी में काम करना है और आपको फर्नेस में घुस के सफाई करने का काम देना, ऐसा होता है, जो मतलब मैंने जब जॉब करी थी और एटीजी में गया था, तो मैं मैनेजर था, इंजीनियर था, और मेरे नीचे जो वर्कर थे वो बेचारा है, उनका काम था लोड लोड करना, और फर्नेस में 200 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वो अपना सूट पहन के जाएगा, क्रेंच नीचे उतरेगा, उसको अनलोड करके निकालेगा, उससे बोलो तो उतर, तो कहते हैं आप करके दिखाओ, अपन तो नहीं आ जाएंगे, कहेंगे तुम तो मेरे बच्चे बराबर हो, मैं तो जिंदगी भर खा रहा हूँ, तो ऐसी कंडीशन होती हैं, उसमें वर्क करना रहता है, तो हैजार्डस कंडीशन में फिर रोबोट का यूज करते हैं, भैया रोबोट से करवा दो, जो कि मशीन रहती है, लोहे को कोई असर नहीं पड़ेगा उस टेम्परेचर का, तो वहां पर हैजार्डस वर्क एनवायरमेंट में अपन को ये रोबोट, इंडस्ट्रियल रोबोट का काम करना पड़ता है। देन वी हैव दिस रिपीटेटिव वर्क साइकिल, अब मैं आपसे कहूँ एक ही काम सुबह उठो आप और वो छीकते रहो, मैं आपसे कहूँ कि लिखे जब तो आप नहीं कर पाओगे, रोज सुबह उठो और लिखना शुरू कर दो, जय श्री राम जय श्री राम, आप एक दिन लिखोगे, चार दिन लिखोगे, पांचवें दिन गालियां दोगे सबको, बाबाओं को पागल हो गए हैं, पटक गए हैं, तो रिपीटेटिव वर्क, लेकिन मशीन को अगर आप कहोगे लिखते जाए तो वो पूरे आपके किताब छाप देगा लिखते लिखते, वो नहीं करेगा, तो रिपीटेटिव वर्क, और वो एक्यूरेट नहीं कर देगा, जैसा आप कमांड दोगे वैसे लिख देगा, आपको मैं कमांड दूंगा लिखो जय श्री राम, तो आप यहाँ एक सा नहीं लिख पाओगे, ठीक है, कभी आपको छीका गई तो आपका हाथ हिल जाएगा, जय की जगह पाए हो जाएगा, जय हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो आप बात समझ रहे हो ना, कंटिन्यूस वर्क नहीं कर पाओगे आप, रिपीटेटिव वर्क नहीं कर पाओगे आप, ओके। देन वी हैव कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, वही मैं बता रहा हूँ, वो एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी जो मशीन में आ सकती है। देन डिफिकल्ट हैंडलिंग टास्क फॉर ह्यूमन, मल्टी शिफ्ट ऑपरेशन, आपको रात में 3 बजे उठा के हम बोले कि आप ये काम करो, तो वो आप नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना, तो ये काम हो जाएगा। देन रिप्रोग्रामेबल फ्लेक्सिबल वर्क होता है, आप उसके अंदर काम बदल दो, जय श्री राम जगह कुछ और लिखवा दो, जय बीजेपी जय कांग्रेस जय देश, तो ऐसा आप रोबोट के अंदर प्रोग्राम चेंज कर दो तो वो वैसा करने लगेगा और परफेक्टली कर देगा, अंटिल अनलेस टूल दिशा नहीं होता, जो आपका एंड इफेक्टर होता है ना, जहां तक कह रहे हैं एंड इफेक्टर, वो दिशा नहीं होगा, अगर टूल दिख जाता नॉर्मली उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, टूल कितना दिशा है और भी डेकोरेटली काम करेगा। देन इंटरफेस टू अदर कंप्यूटर सिस्टम, दूसरे कंप्यूटर सिस्टम से, मैं वहाँ अपने भोपाल में बैठ के मैं डेली में कमांड दे दूँ अपने मोबाइल से, आजकल आ गए ऐसे डिवाइस, घर में क्या हो रहा है मैं यहाँ से देख लेता हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है या मेरे बच्चे स्कूल गया हुआ तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, स्कूल में लगा हुआ कैमरा वो एक्सेस कर सकता हूँ कि भाई बच्चा खेल रहा है, कोई पकड़ के तो नहीं ले जा रहा है, यहाँ से सर्वेंट के साथ गया तो वो बच्चा स्कूल पहुँचा या नहीं, हम लोग एक्सेस कर लेते, ऐसे सिस्टम आ गए, तो देट इज ईजीली एक्सेसिबल। अपने टाइम पर कहाँ था, मेरी मम्मी पापा ने कहा भैया स्कूल गया, सीधे शाम को पता चलता था कि अच्छा हाँ ऐसा हो गया, जब चोट लग गई पापा घुटने में लग गई, क्या हुआ शाम को जो रिपोर्ट देते थे तो उसके बाद घुटने में लग गई, फिर पटाखे हुए हैं ऐसा होता है, और आजकल तो इतना फास्ट है कि उसी टाइम पता चल जाता है ना, तो वो दैट इज इंटरफेस, इसको इंटरफेस कहते हैं।
अब तो अदर कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू अदर मोबाइल सिस्टम है ना। अब यह आप इसकी रोबोट एनाटॉमी में देखिए आप, जो मैंने आपको जॉइंट्स के बारे में बताया था कि वही चीजें हैं आपकी। मैनिपुलेटर होता है, इट कंसिस्ट ऑफ जॉइंट्स एंड लिंक्स। ये पूरा एक इसको मैनिपुलेटर कहते हैं, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, दिस इज मैनिपुलेटर। इट कंसिस्ट ऑफ जॉइंट्स एंड स्किन। जॉइंट्स प्रोवाइड रिलेटिव मोशन, लिंक्स आर रिजिड मेंबर्स बिटवीन जॉइंट्स विद देयर जॉइंट टाइप्स लीनियर एंड रोटरी। ईच जॉइंट प्रोवाइड्स अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, सबकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मोस्ट रोबोट्स होते हैं 5 or 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सिमम जो रोबोट्स होते हैं 5-6 डिग्री होती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, पर ऑन एन एवरेज देखा जाए 5-6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रोबोट के अंदर। इसके अंदर कितनी है डिग्री ऑफ, कितने जॉइंट्स हैं आप पहले तो ये देख लीजिए, हाउ मेनी जॉइंट्स आर देयर इन दिस रोबोट। नंबर वन, इसके अंदर नीचे वाले में लिंक नहीं है, आपकी नीचे देखोगे लिंक जीरो है, जॉइंट ए के ऊपर ये बेस है जहाँ पे लगा हुआ है, लिंक जीरो है, जॉइंट वन है, देन ये ऊपर लगा हुआ है ये लिंक वन है, और इसके ऊपर जॉइंट टू लगा हुआ है, फिर ये लिंक टू है और जॉइंट थ्री है, ठीक है, पूरा आपके एक आर्म रोबोट है। आप इसके अंदर जो प्रोग्राम दोगे वो वही काम करेगा और वैसे करेगा। अगर आप उसको आपने कमांड दे दिया कि 50 आपको नटबोल बनाना है, और उस कमांड के बीच में आप खड़े हो गए यार, वो उसका जो मूवमेंट है उसके पेरिफेरी में आके आप खड़े हो गए, क्या होगा, वो आपको लेगा उठाएगा मशीन में डाल लेगा, आपका रोबोट आपका वो नटबोल बना देगा। उससे दिमाग तो है नहीं कि आप मर रहे हो धीरे, और उसमें तो आपने प्रोग्राम फीड कर दिया। ऐसे कंप्यूटर्स में होता है, ऐसे ही सब जगह होता है कि जो आप इसका प्रोग्राम फीड करते हो वो वही काम करेगा, एक्यूरेट करेगा। गलतियां कौन सी होती है, उनसे नहीं होती, कंप्यूटर गलती नहीं करता। आपने कोई गलती की होगी या किसी ऑपरेटर ने गलत डाला होगा। अब लोग कहते हैं ना सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है, अगर रेलवे की टिकट लेने का सर्वर डाउन है तो कुछ गलती की होगी, अपन वो तो मशीन है उसको क्या गलती, या आपने डिलीवरी डाउन किया होगा परेशान करने के लिए, जिसको काम नहीं करना है मशीन खराब कर दो, उसको टिकट टिकट चेकर जो है जो टिकट जो देता है उसको खाना खाना है तो क्या करेगा, सर सर्वर डाउन करेगा, खाना खा लेगा, सर्वर खोल लेगा। मशीन की तो ना गलती होती है, मशीन तो अपना काम तो ढंग से करती है, फॉरेन में ऐसा क्यों नहीं है, सर्वर डाउन इंडिया में क्यों होता है सर्वर डाउन, इंडिया के सिग्नल ही क्यों खराब होते हैं वो फॉरेन के सिग्नल भी नहीं खराब होता, ये तो फालतू की बात है। जब यहाँ पे ऑटोमेटिक सिग्नल जब चल सकते हैं इम्प्लीमेंट हो जाता है फॉरेन में चल जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं चलते, यहाँ की मेंटेलिटी अच्छी है, कभी काम काम चोरी करनी है कैसा लेना है, सिस्टम ही खराब कर रहा है, ठीक है, तो वो चीजें होती हैं। ओके, then robot manipulator consists of two sections, body and arm for positioning of objects in the robot's work form volume, wrist assembly for orientation of object, then wrist assembly for the orientation of the objects. ठीक है, then we have a wrist assembly for orientation of object. So these are things जो इसके अंदर लग जाते हैं आपके, है ना? Then manipulator joints होते हैं आपके। अब आप देखो इसमें ये कितने type के joints होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। एक होता translational joint, पहला वाला दिख रहा है आपको, joint का movement देख रहे हो आप, ऐसा हो रहा translation joint, जैसे translation joint। इसका कोई example बता दो मुझे, example बताइए translation joint का। आप लोगों ने देखा है, डेली देखते हो आप, पाइप, हाँ जी पाइप, पाइप, हाँ पाइप होता है, ये टेलीस्कोप देखा है, यस सर, टेलीस्कोप होता है ना, तो टेलीस्कोप में ये ट्रांसलेशन जॉइंट होता, ठीक है, देन होता है आपका लीनियर जॉइंट ट्रांसलेशन, लीनियर जॉइंट हो गया जैसे एल टाइप का जॉइंट हो गया, ये देख सकते हो आप, और ऑर्थोगोनल जॉइंट होता है, इसमें ऑर्थोगोनल जॉइंट कौन सा, ओ टाइप का जॉइंट, तो ये कौन सा जॉइंट हो गया आपका, ये इधर टी जॉइंट हो गया, ऑर्थोगोनल मींस 90 डिग्री पे जो जॉइंट होता है कहते हैं ऑर्थोगोनल। देन रोटरी मोशन होता है जिसमें रोटेशनल जॉइंट होता है, रोटेशनल जॉइंट आप लोगों ने आपकी गाड़ियों में लगा हुआ,
पेंडुलम में कौन सा जॉइंट होगा, कहां पर, किस वॉच, किधर, किस जगह, जहां से पेंडुलम लटक रहा है, जहां से पेंडुलम लटक रहा है, नाम बताओ उसका, और तो ऑर्थोगोनल तो नहीं होगा, सेम प्लेन में रोटेशनल होगा, देखो रोटेशनल जॉइंट होता है आर, ट्विस्टिंग जॉइंट होता है टी, एंड रिवॉल्विंग जॉइंट होता है. मैं आपको ये एग्जांपल से समझा देता हूँ, आपको कौन कौन से जॉइंट कौन से हैं आपके, है ना, इनके रोटेशनल आप ये देख लो पहले, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो. आखिरी बार रिवॉल्विंग है, ये टी जॉइंट है आपका, आर जॉइंट कौन सा है, रोटेशनल, ये रोटेशनल जॉइंट हो गया, शाफ्ट घूम रहा, ये शाफ्ट घूम रहा रोटेशनल जॉइंट हो गया, ये दिख रहा है ना आपको, ये ये देखो ये रोटेशनल जॉइंट हो गया, ये रोटेशनल जॉइंट हो गया, ये ट्विस्टिंग जॉइंट हो गया, और ये आपका रिवॉल्विंग जॉइंट हो गया. पहले तो हो जाओ कि ये लीनियर जॉइंट हो गया आपका, और सेकंड वाला ऑर्थोगोनल जॉइंट, ये 90 डिग्री पे जो है ये ऑर्थोगोनल जॉइंट है, इसमें ऐसा ऐसा मूव हो रहा है, 90 डिग्री पे मूवमेंट हो रहा अभी क्लियर है आपको, इनके साइन कन्वेंशन देखना, एल ओ आर टी बी, ये साइन कन्वेंशन आपको आगे काम में आएंगे. ये देखो यूजर ऑफ जॉइंट नंबर्स एल ओ आर टी बी टू डेजिग्नेट जॉइंट्स टाइप्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट रोबोट मैनिपुलेटर सेपरेट्स बॉडी एंड आर्म असेंबली फ्रॉम ब्रेस असेंबली यूजिंग अ कोलन, कोलन यूज करते हैं. अब जैसे टीएलआर का, टीएलआर के एग्जांपल क्या है, टीआर कह सकते हैं. अब ये कौन सा, देखो रोटेशनल जॉइंट, ये ऐसा होता है, इनमें कौन कौन से जॉइंट यूज हो रहे हैं बताइए जरा, देख के नोटेशन दे दी इन्होंने, पोलार कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, पोलार कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं आपने, पढ़े हैं पोलार कोऑर्डिनेट्स, पोलार कोऑर्डिनेट बॉडी का नाम है, समझिए नोटेशन टीआरएल बॉडी का नाम है, समझिए It consists of a sliding arm, L joint actuated related to the body, which can rotate about this. अब ये देखो यहाँ पर rotational joint हो गया, नीचे R जो बना है ना, उसपे rotational joint हो गया, और ये L is translatory joint, translatory movement हो रहा है, और ऊपर क्या हो रहा है? Revolving, revolve हो रहा है. ये घूम रहा है ना, रिवॉल्व हो रहा है, ये रिवॉल्व है ना, इसको रिवॉल्व है, ये रिवॉल्विंग जॉइंट हो गया, है ना. देन ट्रांसलेटिंग जॉइंट अपने हाथ में तो होता ही नहीं, यहाँ तो होता ही नहीं, बॉडी में ट्रांसलेटिंग जॉइंट नहीं है, है ना. और ये ट्विस्टिंग, ज्यादा आप ट्विस्टिंग कर सकते हैं, कितना कर सकते हो, तो ट्विस्टिंग ऑप्शन भी दिया है, ऊपर वाले ने अपनी बहुत अच्छी बॉडी बनाई है अपने सामने, कितने साइज जॉइंट दिए अपन को, रोबोट बनाने में कितनी दिक्कत आई है ना, ट्विस्टिंग मोमेंट भी दे रहा है अपन अपने हाथ में, रिवॉल्विंग भी दिया हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी रिपीट किया है, ऐसा भी मान सकते हैं. कैसे भी यूज करते हैं, एंड इफेक्टर का काम, एंड इफेक्टर ये हाथ में भी इतने सारे ऑप्शन दे दिए, कितना पकड़ना है, कितने जोर से पकड़ना है, धीरे पकड़ना है, बाल को कैसे पकड़ोगे आप, और सुई में धागा डालने में आपको क्या रिएक्शन करना, कंट्रोल सिस्टम आपको हाथ में ऑप्शन दे दिया है, देन कहाँ फोकस करना है आपको, आंखों से फोकस दे दिया, तो ऊपर वाले ने क्या मशीन बनाई है, स्विम भी कर सकते हो, फ्लाई भी कर सकते हो, डिपेंड्स यूजिंग योर ब्रेन पावर, ठीक, कंट्रोल सिस्टम. देन ये इसमें आ जाता है आपका
इसके नोटेशन बताओ, सिलेंड्रिकल बॉडी एंड आर्म, नोटेशन देखिए आप। ट्रांसवर्स मोशन हो गया, रोटरी मोशन हो गया, ऑर्थोगोनल मूवमेंट हो गया आपका, और एल क्या हो गया, कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल कॉलम रिलेटेड टू व्हिच एन आर्म एंड एज इट मूव अप एंड डाउन, आर्म कैन बी इन एंड आउट रिलेटेड टू द कॉलम। ये इसका फोटो भी दे दिया उन्होंने नीचे, कैसा फोटो है, कैसा यूज हो सकता है। तो दैट इज, इतने सारे मूवमेंट होते हैं, आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये बेसिक्स है रोबोटिक्स की, ये कब फॉरेन में अप्लाई हो चुका है, 1950s में, उस टाइम पे ये लोग कर चुके थे, अपना पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक्स है, ये जनरल आइडिया है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, जनरल आइडिया है, ठीक है। इसके बाद एक पिक्चर भी दिखा दूंगा आपको मैं रोबोटिक्स के, आप कहोगे तो। देन बॉडी एंड आर्म असेंबली का ये देखो आप, इसमें नोटेशन देखिए आप, क्रेन पीछे क्रेन बना दिख रहा है, मोबाइल में क्रेन दिख रहा है आपको, उसके अंदर ये सारे मूवमेंट्स होते हैं। देखो आप अप एंड डाउन, आपने क्रेन तो देखा ही होगा सबने, जो सड़क पे चलता क्रेन वो अलग रहता है, उसके अंदर भी आप अगर इमेजिन करो, एनालिसिस करो, तो ये सारे डिजाइन और ये सारे मूवमेंट्स होते हैं, है ना। ऑर्थोगोनल मूवमेंट हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, लेटरल हो गया, इतने सारे जॉइंट हो गए, थ्री स्लाइडिंग जॉइंट्स, टू ऑफ व्हिच आर ऑर्थोगोनल, नेम चेंज दैट इज योर बॉडी। देन जॉइंट आर्म रोबोट, ये रोबोट होता है, इसके अंदर देख लो अब आप एनालिसिस करो, रोटेशनल मूवमेंट हो गया, रिवॉल्विंग मूवमेंट हो गया आपका, और ट्रांसलेटिव मूवमेंट हो गया, इतने सारे जॉइंट हो गए। कैसे करेंगे, टी आर आर, ठीक है, नीचे ट्रांसलेटर हो गया, बाकी दो आर हो गया, रिवॉल्विंग जॉइंट हो गए दो। ये एग्जाम में बना के आ जाओगे, ये डायग्राम में बनाना है, घर में प्रैक्टिस करोगे तभी बना पाओगे आप लोग एवरीवन, ठीक है। सो